देश भर में महामारी के चपेट में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इस बीच महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य उभर कर सामने आया है जिसमें सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। वहीं हाल ही में महाराष्ट्र के अस्पताल में ही लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस वीडियो को लेकर जानकारी सामने आई है कि ये अस्पताल मुंबई का सायन अस्पताल है, जहां पर लाशों के ढेर के बीच मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कुछ शवों को कंबल से ढका गया है तो वहीं कुछ को प्लास्टिक के बैग में लपेट कर रखा गया है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही लोगों ने सरकार को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता नीतीश राणे की ओर से ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया गया, सायन अस्पताल में शवों के साथ मरीज भी सो रहे हैं, ये अति है, ये कैसा प्रशासन है, बहुत ही शर्मनाक है। वहीं खबरों की माने तो डीन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ये वीडियो सायन अस्पताल का है, और उनका कहना है कि क्योंकि मरने वाले लोगों के रिश्तेदार शवों को लेने नहीं आ रहे, ऐसे में उन्हें यहीं रखना पड़ रहा है। वहीं इस पर भाजपा नेता राणे ने जवाब देते हुए कहा कि पहले तो अस्पताल प्रशासन इस वीडियो को गलत बताता रहा और अब लोगों का भरोसा बीएमसी से उठ चुका है। साथ ही उन्होंने बीएमसी कमिश्नर के इस्तीफे की भी मांग की है। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल यू न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।